90 के दशक में डांडिया क्वीन के नाम से मशहूर थी फाल्गुनी पाठक, बॉलीवुड से अचानक हो गई गायब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, संगीत की दुनिया में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें शायद ही कभी भूला जा सके। इन्हीं में से एक है फाल्गुनी पाठक। फाल्गुनी संगीत और गायकी की दुनिया का वो नाम है जिन्होंने 90 के दशक में लड़कियों को प्यार करना सिखाया और अपनी बेहद सुरीली आवाज से उनके दिल की आवाज बन गई। इस दशक में फाल्गुनी पाठक का गाना हर किसी के जुबान पर हुआ करता था और हर फंक्शन पर लोग बड़े शौक से इसे बजाया करते थे। इस तरह फाल्गुनी अपनी मधुर आवाज से सबका दिल जीत लेती थी। इस जमाने में उनके कई गाने हिट रहे और इनका जलवा भी काफी समय तक बरकरार रहा। मैंने पायल है छनकई, याद पिया की आने लगी, बोले जो कोयल बागों में, और ओ पिया जैसे गानों ने खूब वाहवाही बटोरी थी। उस समय में कोई ऐसा टेप और रेडियो ना होगा जिस पर फाल्गुनी के ये गाने ना बजे होंगे और स्कूली फंक्शन में लड़कियों ने इस पर डांस ना किया होगा। खासकर प्यार करने वाले इनसे अधिक जुड़ाव महसूस करते थे। एक समय में इतनी अपार सफलता पाने वाली फाल्गुनी मुंबई बेस्ट गायिका है जिनका जन्म 12 मार्च 1964 में हुआ था। फाल्गुनी सिर्फ सिंगर ही नहीं बल्कि लाइव परफॉर्मर और म्यूजिक कंपोजर भी हैं। उनका संगीत भारत के राज्य गुजरात के पारंपरिक संगीत पर आधारित है और उसी से प्रेरित है। फाल्गुनी पाठक ने 1987 में एक पेशेवर कलाकार के रूप में अपना सफर शुरू किया था। फाल्गुनी पाठक ने 1987 में एक पेशेवर कलाकार के रूप में अपना सफर शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके शानदार गायन की वजह से हर तरफ उनकी प्रशंसा हुई। एक बार उनसे पूछा गया था कि उन्होंने गायकी को ही करियर के तौर पर क्यों चुना। उन्होंने जवाब में कहा कि यह बस हो गया। फाल्गुनी को व्यापक तौर पर भारतीय मैडोना माना जाता है। उनका पहला एल्बम 1998 में रिलीज हुआ था। इसी के साथ उन्होंने कई सारे बॉलीवुड गाने भी रिकॉर्ड किए थे। उनके अधिकतर गाने प्यार पर आधारित हुआ करते थे। उन्होंने भारत सहित विदेशों में कई कार्यक्रम किए। तथैया नाम से उनका बैंड हुआ करता था जिसके साथ वे परफॉर्मेंस देती थी।